तो अगर आप लोग भी 2023 में शॉर्ट चैनल बनाना चाहते हो, शॉर्ट चैनल ग्रो करना चाहते हो, शॉर्ट कैटेगरी में काम करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आप लोगों को 10 ऐसे शॉर्ट चैनल आइडिया देने वाला हूँ, जिनमें से अगर आप लोग किसी भी एक शॉर्ट चैनल पर काम करोगे तो 2023 में आप लोग भी शॉर्ट चैनल से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, शॉर्ट चैनल से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि आप लोग को पता ही है 2023 में शॉर्ट चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, यानी कि अभी जो फरवरी आएगी, फरवरी में जितने भी शॉर्ट क्रिएटर है, जितने भी शॉर्ट चैनल है, वो सारे मोनेटाइज होना चालू हो जाएंगे। तो अगर आप लोग भी कंफ्यूजन में हो कि मैं किस टाइप का शॉर्ट चैनल बनाऊं, किस कैटेगरी पर शॉर्ट चैनल बनाऊं, तो आज की वीडियो में आप लोगों को जो 10 शॉर्ट चैनल आइडिया देने वाला हूं, तो इस पर आप किसी भी एक कैटेगरी पर काम करके 2023 में आप लोग भी अपने शॉर्ट चैनल से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड नई नई वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, और हाँ, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट। जो सबसे पहला शॉर्ट चैनल आइडिया है वो है किड्स एनिमेटेड कार्टून वीडियो, यानी कि किड्स वाली वीडियो। अब आप लोग जानते ही होंगे जो यूट्यूब पर जो ज्यादातर शॉर्ट देखते हो, ज्यादातर बच्चों की ऑडियंस ज्यादा है। हालांकि हर उम्र के लोग देखते हैं, लेकिन जो बच्चों की ऑडियंस वो ज्यादा है, ठीक है। अगर आप लोग गली मोहल्ले में अपने आस पास देखोगे तो ज्यादातर जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में हमेशा आपको मोबाइल रहता होगा, ठीक, वो हमेशा शॉर्ट देखा करते हैं। तो वहां पर आप लोग किड्स वाला जो एक कार्टून एनिमेटेड शॉर्ट चैनल बना सकते हो, इस पर आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा और इसकी रीच भी ज्यादा है, और बच्चे ज्यादातर आप लोग देखते हो, लगातार शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो आप लोग किड्स वाला एक एनिमेटेड कार्टून शॉर्ट चैनल बना सकते हो, इस पर आप लोग को जो कार्टून वाली वीडियो होती है एनिमेटेड, उस टाइप की आपको इसमें वीडियो बनानी पड़ेगी, और इसमें आपको थोड़ा एडिटिंग करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग बच्चे वाला चैनल बनाना चाहते हो, तो आप लोग किड्स वाला एक कार्टून चैनल बना सकते हो, इस पर आप लोग को अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलेगी, अच्छी खासी अर्निंग भी होगी इस पे। तो ये पहला मैंने आपको आइडिया बताया, किड्स शॉर्ट एनिमेटेड यानी किड्स वाला कार्टून चैनल, ठीक है, ये पहला आइडिया हो गया। अब जो दूसरा है यहाँ पर, जो दूसरा है वो है मिनी ब्लॉग। अब आप लोग जानते हो जो ज्यादातर लॉन्ग वीडियो देखते होगे, तो लॉन्ग जो ब्लॉग है वो ज्यादा चल, जो लॉन्ग चैनल है वो ब्लॉग ज्यादा बनाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कुछ नया कर सकते हो, आप लोग अपना मिनी ब्लॉग बना सकते हो शॉर्ट में। आपको करना क्या है, आपको जैसे सारा दिन का एक वीडियो शूट कर लेना, उसके बाद आपको काइनमास्टर में जाके या किसी भी एप्लीकेशन में जाके उसको आपको शॉर्ट में 45, 50, 60 सेकंड का उसको वहां पर एडिट करके कट कर करके जो मेन पार्ट है उसको वहां पर रखना है। तो इस तरह से आप लोग मिनी ब्लॉग बना सकते हो। ब्लॉग आप लोग जानते हो कितना चलता है, तो जो लॉन्ग ब्लॉग बनाते हैं आप लोग उसका मिनी ब्लॉग बना सकते हो। मिनी ब्लॉग भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोग जान ही रहे हो, अभी हाल ही में ट्रेंड चालू हुआ है। तो दूसरा जो चैनल आइडिया है, आप लोग मिनी ब्लॉग का एक शॉर्ट चैनल बना सकते हो, ठीक है, दूसरा हो गया। अब यहाँ पर जो तीसरा शॉर्ट चैनल है वो है ट्रेंडिंग न्यूज। अब ट्रेंडिंग न्यूज क्या होती है, जैसे अभी आप लोग जानते होंगे कि 3-4 दिन पहले अभी XYZ आप लोग जानते होंगे, तो उनके साथ क्या हुआ था, ठीक है, कैसी घटना हुई थी। तो इस तरह से आप लोग ट्रेंडिंग न्यूज को पकड़ सकते हो, यानी जो वायरल न्यूज होती है, यानी जो यूट्यूब पर वायरल चल रहा है, वैसी न्यूज पकड़ के आप लोग उस पर शॉर्ट चैनल बना सकते हो। और इस टाइप का शॉर्ट चैनल जानते हो कितनी तेजी से चलता है, कितनी तेजी से ग्रो होता है, क्योंकि वायरल कंटेंट बहुत ज्यादा चलते हैं। तो आप लोग ट्रेंडिंग न्यूज वाला शॉर्ट चैनल बना के अपने शॉर्ट चैनल को ग्रो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर न्यूज आपको सही न्यूज देनी, फालतू की न्यूज नहीं देनी। तो ये तीसरा चैनल आइडिया ट्रेंडिंग वीडियो, ट्रेंडिंग न्यूज आप उठा सकते हो, ठीक है। तो जो चौथा शॉर्ट चैनल आइडिया है वो है टेक टिप्स। अब जैसे आप लोग जानते हो कि जो बड़े बड़े टेक कैटेगरी के हैं, जो मोबाइल अनबॉक्सिंग करते हैं या कोई टेक न्यूज देते हैं या कुछ भी देते हैं, वहां पर वो लोग लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग शॉर्ट में किसी टेक कोई जो अपडेट आता है उसको बता सकते हो, चाहे आप कोई मोबाइल के बारे में आया हो तो उसको शॉर्ट में बता सकते हो, चाहे कोई टिप्स दे सकते हो, चाहे कोई अनबॉक्सिंग कर सकते हो, तो उसका भी आप लोग शॉर्ट चैनल बना सकते हो। टेक कैटेगरी में जानते हो कितना ज्यादा कंपटीशन है, कितनी ज्यादा ग्रोथ भी है, और इस पर अर्निंग भी अच्छी खासी होती है। तो आप लोग टेक वाला भी एक शॉर्ट चैनल बना सकते हो, ठीक है। चौथा शॉर्ट चैनल है टेक वाला, टेक वाला आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो पांचवा शॉर्ट चैनल है वो है फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस हो गया, बिजनेस हो गया। शॉर्ट चैनल में आपको क्यों बता रहा हूँ, तो आप लोग जानते होंगे बहुत से लोग क्या है फाइनेंस वाली वीडियो ज्यादा देखना पसंद करते हैं, बिजनेस वाली वीडियो यानी मनी रिलेटेड वीडियो, कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है या फाइनेंस में कैसे क्या सिस्टम चल रहा है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। तो इस टाइप की आप लोग भी टिप्स दे सकते हो, एक फाइनेंस वाला शॉर्ट चैनल बनाकर वहां पर आप लोग छोटे छोटे टिप्स दे सकते हो कि कैसे मैं मनी को इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, कौन सा बिजनेस करना सही रहेगा, कैसे फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह का भी आप लोग शॉर्ट चैनल बना सकते हो, ये भी शॉर्ट चैनल बहुत चलता है। आप लोग जानते हो फाइनेंस वाली वीडियो ज्यादा देखी जाती है, मनी रिलेटेड वीडियो ज्यादा देखी जाती है। तो आप लोग जो पांचवा शॉर्ट चैनल है, आप लोग फाइनेंस या मनी या बिजनेस रिलेटेड कोई भी एक शॉर्ट चैनल क्रिएट करके आप लोग उस पर वीडियो बना सकते हो। लेकिन इस कैटेगरी में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको जब नॉलेज होगी तभी आप लोग इस पर बना सकते हो, बिना नॉलेज के आप लोग ऐसे थोड़ा ना कुछ बता सकते हो। तो पांचवा है आप लोग फाइनेंस वाला चैनल बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो छठा है, जो छठी कैटेगरी है वो है एजुकेशन से रिलेटेड।
अब जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि YouTube पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे YouTube पर कोचिंग पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, तो आप लोग शॉर्ट में भी एजुकेशन दे सकते हो। अब यहाँ आप लोग यहाँ पर कोचिंग से रिलेटेड नहीं, आप लोग कुछ भी बता सकते हो, जैसे कि कहीं जैसे चालान कैसे कटता है या बाइक बिना हेलमेट के चलो कैसे चालान कटेगा, इस टाइप की आप लोग न्यूज दे सकते हो, मतलब इस टाइप का आप लोग एजुकेशन दे सकते हो, कुछ से भी रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, यानी जो आपको देने में अच्छा लगे, जिस चीज के बारे में बताने में अच्छा लगे, आप पब्लिक को कुछ एजुकेट कर सकते हो, कुछ सिखा सकते हो, तो आप लोग एजुकेशन वाला भी शॉर्ट चैनल बना सकते हो। और एजुकेशन वाला शॉर्ट चैनल जानते हो आप लोग कितना चलता है, लोग जानने वाली चीजें यानी कि सीखने वाली चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, तो जो छठा शॉर्ट चैनल आइडिया है वो एजुकेशन वाला आप लोग शॉर्ट चैनल क्रिएट करके आप लोग बना सकते हो इस पर भी वीडियो। ठीक, अब जो यहाँ पर सातवीं कैटेगरी निकल के आती है वो है पॉलिटिकल न्यूज यानी कि राजनीतिक जो न्यूज होती है, राजनीतिक जो खबरें होती है। अब आप लोग जानते हो जो टीवी में आप लोग देखते हो न्यूज चैनल, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल वो ज्यादातर ऐसी न्यूज दिखा के कितना पॉपुलर हो गए, कितना नंबर वन चलता है उनका चैनल, तो आप लोग पॉलिटिकल न्यूज भी दे सकते हो, जो अपने नेता लोग होते हैं, ठीक है, जो अपने विधायक लोग होते हैं, इनकी आप लोग न्यूज भी बता सकते हो, कहां क्या हो रहा है, इस स्टेट में कौन सी न्यूज चल रही है, क्या चल रहा है, तो इस टाइप का भी आप लोग चैनल बना सकते हो। लेकिन इस पर आपको एक खास बात का ध्यान रखना है, कुछ फेक न्यूज नहीं बनाना है, क्योंकि फेक न्यूज बनाओगे तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग अभी हाल में सुना ही होगा कितने सारे यूट्यूब चैनल बंद हो रहे हैं, वो इसी वजह बंद हो रहे हैं क्योंकि वो गलत जानकारी दे रहे हैं, तो ऐसे चैनल पर आपको गलत जानकारी नहीं देनी, एकदम सही जानकारी देनी है, तो आप लोग पॉलिटिकल न्यूज वाला भी एक शॉर्ट चैनल क्रिएट करके अपने आप वीडियो को वायरल कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट भी बहुत ज्यादा चलता है, आप लोग जानते हो न्यूज वाले इस टाइप का कंटेंट रिपीट करते रहते हैं और बनाते रहते हैं, तो आप लोग इस कैटेगरी का चैनल बना सकते हो जो सातवीं कैटेगरी है पॉलिटिकल न्यूज वाला। ठीक है, अब यहाँ पर जो आठवीं कैटेगरी निकल के आती है वो फैक्ट रिलेटेड यानी फैक्ट वाली वीडियो। अब आप लोग जानते हो कि शॉर्ट में फैक्ट वाला कंपटीशन कितना, यानी कि फैक्ट वाली वीडियो जो बनाते हो कितने सारे लोग हैं, पर भी आपको बहुत सारा कंपटीशन देखने मिल जाएगा, जैसे कि ए टू मोटिवेशनल हो गए और ऐसे ही बहुत सारे चैनल है फैक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग फैक्ट से रिलेटेड भी वीडियो बना सकते हो, इस पर भी अच्छा खासा कंपटीशन देखने मिलता है और ऐसी वीडियो पर रीच भी ज्यादा आता है, तो अगर आपको फैक्ट से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाना अच्छा लगता है या कुछ बातें बतानी अच्छी लगती है, जैसे कोई फैक्ट वाली चीजें होती है, इंडिया में फैक्ट वाली चीजें होती है, तो आप लोग इस टाइप का भी चैनल क्रिएट करके वीडियो बना सकते हो। तो आठवीं कैटेगरी क्या हुई, फैक्ट वाली। अब यहाँ पर जो नवी कैटेगरी निकल के आती है वो है कॉमेडी टाइप, यानी आप लोग कॉमेडी वाइज बना सकते हो शॉर्ट में, जैसे लॉन्ग में लोग बनाते हैं तो आप लोग शॉर्ट में बना सकते हो, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर बनाते हैं जैसे दुष्यंत कुकरेजा, आप लोग देखते होंगे ट्रेंडिंग में ज्यादातर इनके वीडियोस रहते हैं, तो आप लोग ट्रेंडिंग सेक्शन में देखोगे शॉर्ट में ज्यादातर फनी वाले वीडियो ज्यादा रहते हैं, तो आप लोग कॉमेडी टाइप का भी शॉर्ट चैनल बना सकते हो, और कॉमेडी वाली ऑडियंस जानते हो आप लोग कितनी है, भर भर के आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। नवी कैटेगरी आप लोग कॉमेडी वाला शॉर्ट चैनल बना सकते हो, इस पर भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दसवीं कैटेगरी है वो है रोस्टिंग वाली। अब आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर को देखते हो जैसे ट्रिगर इंसान हो गए, कैरी मिनाती हो, करते ही लोग बड़ी वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग इसको शॉर्ट बना सकते हो, लेकिन आपको इसमें एडिटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए तभी आप लोग ऐसा वीडियो बना सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनिमेशन करना पड़ेगा, इसमें आपको एक एक सेकंड में अपनी वीडियो को बदलते रहना पड़ेगा तभी आप लोग की रोस्टिंग अच्छी लगेगी, तो यहाँ पर आप लोग दसवीं जो कैटेगरी है रोस्टिंग वाला चैनल भी बना सकते हो, और आप लोग जानते हो इस टाइप का चैनल कितना चलता है, लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, तो जो मैंने आपको ये 10 चैनल आइडिया दिए शॉर्ट के, तो आप लोग कोई भी एक कैटेगरी को पकड़ के उस पर काम कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो भी आपको कैटेगरी अच्छी लगती हो आप लोग किसी भी एक कैटेगरी में काम करके 2023 में आप लोग भी शॉर्ट चैनल से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि 2023 में शॉर्ट चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, फरवरी में मोनेटाइजेशन चालू हो जाएगा, तो जो मैंने आपको 10 शॉर्ट चैनल आइडिया दिया है किसी भी एक कैटेगरी में काम करके अच्छा खासा आप लोग भी अर्निंग कर सकते हो, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे YouTube से रिलेटेड नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।